दरभंगा में एक बड़ी खबर ये आ रही है कि दरभंगा समाहरणालय में आग लग गई है। आपको बता दें कि ये खबर दरभंगा के शॉर्ट सर्किट के वजह से समाहरणालय स्थित इलेक्शन ऑफिस में लग गई है आग। कर्मचारियों की तत्परता से आग पर काबू तो पा लिया गया है, लेकिन काफ़ी जरूरत जो पेपर है वो जलकर खाक हो गया बताया जा रहा है। दरभंगा जिला में समाहरणालय परिसर में बड़ी घटना होने से टल गई है। गनीमत यह रही कि शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, नहीं तो बड़ी घटना घटित हो जाती। धीरे धीरे आग सुलगने की वजह से इलेक्शन ऑफिस के स्टोर में रखे फाइलों को छोड़कर ज्यादा क्षति नहीं हुई है, परंतु कार्यालय दीवारों संग सामान काल पर गया है। बता दें कि दरअसल इस घटना की जानकारी तब चली जब ऑफिस के लिए कर्मचारी कार्यालय पहुंचे। ऑफिस परिसर में जलने की बू आ रही थी, जिसके बाद समाहरणालय परिसर में हड़कंप मच गया और मौके पर तैनात कर्मचारियों ने बिजली की सप्लाई को बंद कराने के बाद आग पर काबू पा लिया। कार्यालय के अंदर रखे सामानों को बाहर निकालते हुए साफ सफाई शुरू कर दी है। शॉर्ट सर्किट की वजह से बिजली का जो तार है वो जल गई है और दीवारें भी पूरी तरह काली हो गई हैं। मिथिलेश कुमार जो कर्मी है यहाँ के, उनका इंटरव्यू सुनाते हैं और शशि भूषण सिंह जो अग्निशमन दरभंगा के पदाधिकारी हैं उनका इंटरव्यू सुनाते हैं। लेकिन थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी का माहौल मच गया। यहाँ से कुछ दूरी पर ही पूरा पंचायती राज का भी पेपर रखा रहता है या कार्यालय है या फिर दरभंगा डीएम का भी कार्यालय है। समझ सकते हैं कितना बड़ा अनहोनी होने से टल गया है। सामाजिक सुरक्षा तो कुछ जलने की बू आ रही थी, प्लास्टिक जलने जैसा। खोजने पर पता चला कि इलेक्शन से धुआं निकल रहा था। उतने में इलेक्शन पदाधिकारी भी ढूंढते हुए आए, लगभग वही 10-30 के आसपास सर भी, यदि 10-25 के, 10 में वो भी आ गए थे, वो भी खोजे। तो खोजने टेस्ट करने पर पता चला क्या, जो आग लगी हुई है इलेक्शन के भंडार गृह में, तो उसको उनके आदेश से ही ताला तोड़ करके उसको बुझाई गई। कौन सा जगह है ये जहाँ आग लगी है? ये इलेक्शन का जो है स्टोर रूम है। कहाँ पे है ये? ये कलेक्ट्रेट में समाहरणालय पर, दरभंगा समाहरणालय। जी जी। तो क्या कुछ है यहाँ पे देख रहे हैं, कई फाइल है, कई ऐसे जरूरी कागजात हैं? ये ऐसा है कि एक्चुअल हम लोग सामाजिक सुरक्षा के स्टाफ हैं और वो उनके क्षेत्र में लगा, वो क्या जला क्या नहीं सुने कहेंगे, वैसे पुराने सभी फॉर्म ही हैं, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं। अग्निशमन को भी यहाँ से सूचना दिया गया? हाँ, अग्निशमन को सूचना दिया गया। सूचना के तुरंत 5 मिनट के अंदर अग्निशमन आई है। फिर कैसे आग पे काबू पाया गया? वो इसमें इलेक्शन में जो है सो फायर एक्सटिंग्विशर रखी हुई थी CTC, उसी के द्वारा जो है सो उसको बुझाई गई। क्या कारण, आग लगने का कारण क्या माना जा रहा है? मानना क्या है वो हम तो नहीं बता सकते हैं, एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन लाइन शॉर्ट सर्किट ही उसकी वजह है। क्या मामला हुआ है, क्या पता चला? समाहरणालय में NIC का एक ऑफिस के बगल में गलियारा है, उस गलियारे में बिजली के शॉर्ट सर्किट हो गए थे। तो शॉर्ट सर्किट से एक अलमीरा में आग लग गई, इसके चलते कुछ 10-20 फाइलें जली हैं। सूचना फायर ब्रिगेड को मिली थी, चूँकि समाहरणालय परिसर है तो ज़्यादा नुकसान ना, इसके चलते हम लोग 4-5 गाड़ी लेकर आए थे। तो आने से पहले यहाँ के जो फायर एक्सटिंग्विशर थे उनसे यहाँ के कर्मियों के द्वारा आग बुझा दी गई थी। आग पूर्ण रूप से बुझ गई है, बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, गनीमत है कि जल्दी से ही काबू पा।